यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं प्रधानमंत्री मोदी बड़ बयान गोटे घरे दुईट आईन चली पार्टी पीएम मोदी प्रथम थर पर यूसीसी प्रसंग में मत रखा सह यूसीसी को वर्तमान आवश्यकता कहते पीएम मोदी यह कौन से गोष्ठी विरोध करून स्पष्ट कर प्रधानमंत्री समस्त भारतीय नागरिक को सामान अधिकार मिलवर यूसीसी को विरोध कर कंग्रेस अन्य विरोधी दलगुड़िक केवल भोट बैंक राजनीति करुवा अभोग पीएम मोदी मध्यप्रदेश एक रैली को संबोधन करवा बेले प्रधानमंत्री आज यूसीसी विधेयक उपरे प्रथम थर पर मुह खोल विधेयक को प्रबल विरोध करा संसद में आसंता मौसुमी अधिवेशन में बिल पास लक्ष्य रखाई प्रधानमंत्री कहते गत जून मासरे यूसीसी को 22वां ल कमिशन जनमत मागी एथसहित विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान मतामत लोड़ी थे सरकार सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा? क्या फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितेशी होते तो अधिकांश परिवार मेरे मुस्लिम भाई बहन शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते। लेकिन भाजपा देश के हर नागरिक के लिए सबका साथ सबका विकास की भावना से काम कर रही है।